सीबी उपाध्याय बनी लदौरा, सीएमओ बैठक हुई आयोजित, कर दिए आवश्यक निर्देश। सीबी उपाध्याय ने लोगों की सुनी समस्या, नगर के लोगों ने कहा कि अब शासन ने सही अधिकारी को सौंपी लदौरा नगर परिषद की कमान। फिलहाल खबर आई है लदौरा से, देखते रहिए न्यूज जतारा से। टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा अंतर्गत लदौरा में निष्पक्ष कार्य करने वाली देश की बेटी को पुनः कमान संभालने का शासन ने आदेश जारी किया। किसी ने सही कहा है कि सत्य निष्पक्ष काम करने वाले व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से कमान सही व्यक्ति के हाथ में पहुंच ही जाती है। तो कुछ ऐसा ही मामला जतारा विधानसभा के लदौरा नगर परिषद में देखने को मिला, जहां अधिकारी ने पहली ही बैठक में इतने जबरदस्त निर्देश जारी कर दिए कि कर्मचारियों को लगा कि कोई अधिकारी आज लदौरा में आया है। फिलहाल एक झलक आप गौर से उन तस्वीरों को देखिए, जहां शासन कुछ समय पहले जिले में परियोजना की कमान सौंपी थी, तो वही आज शासन ने अधिकारी का कार्यभार देखकर आज वह कमान पुनः सौंप दी, जिससे पहले ही बैठक में कर्मचारी के मस्तक पर चिंता की लकीर दिखने लगी। फिलहाल यह बात तो हुई शासन प्रशासन के स्तर की, अब आप सुनिए विस्तार से खबर को। बुधवार को जतारा विधानसभा की लदौरा नगर परिषद में टीकमगढ़ जिले के परियोजना अधिकारी के रूप में निष्पक्ष काम करने के बाद शासन ने लदौरा नगर परिषद में सीएमओ का दो प्रभार का सीएमओ का चार्ज होने के चलते प्रकाश के काम में रुकावट बनी हुई थी, जिसको लेकर शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन के आदेश अनुसार लदौरा नगर परिषद का सीएमओ सीबी उपाध्याय ने पद प्रभार ग्रहण किया, जहां कुमारी उपाध्याय ने प्रभार लेते ही तत्काल प्रभाव से परिषद के विभिन्न कर्मचारियों की बैठक ली और निष्पक्ष एवं ईमानदारी से समय सीमा पर कार्य करने के सख्त आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर को साफ और स्वच्छ रखना हम सभी की पहली प्राथमिकता है, तो नगर को विकास की ओर बढ़ाना है तो वही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पात्र हितग्राही को लाभान्वित कराना है। इस प्रकार उपाध्याय ने बैठक के दौरान विभिन्न प्रकार से निर्देशित किया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं समस्त वार्ड मेंबर एवं कर्मचारी मौजूद रहे।